तो हे गाइस, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं हॉटस्टार की एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द नाइट मैनेजर। तो गाइस, इसका ना पहला पार्ट भी रिलीज हो चुका है जिसमें आप सबने अगर देखी है, ये आठ एपिसोड्स हैं इस वेब सीरीज में। और इसका जो पहला पार्ट है उसमें क्या है कि जो अनिल कपूर है ना, वो क्या है कि एक बिजनेसमैन है जो कि ये नहीं होता वेपन्स का बिजनेस करते पूरी दुनिया भर में। तो मतलब ये काफी गैंगस्टर वाले जो गैंगस्टर है ना, इसमें अनिल कपूर ही है एक हिसाब से। मतलब गैर कानूनी धंधा करते हैं और इनके बिजनेस में जो इन्वॉल्व है, अब इसके क्या बोलते हैं पंगा करने आदित्य रॉय कपूर इनकी बिजनेस में मतलब घुस चुका है। मतलब अगर आपने देखी तो आप सबको पता होगा कि इसकी क्या स्टोरी है। 8 वेब सीरीज मैंने पर्सनली देखी थी तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी थी ये वेब सीरीज। तो बस इसका दूसरा पार्ट आने वाला है जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो गाइस, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो आज हम उसी के ट्रेलर पर रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे कि आखिर ये ट्रेलर है कैसा। तो चलिए मेरे साथ जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस वेब सीरीज के ट्रेलर पर। रावण की लंका जलाने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी, पर कहीं उस आग में मैं खुद ही ना जल जाऊं। नए रिलेशन बनाने के लिए पुराने तोड़ने पड़ते हैं, चाहे दोस्त हो या मुल्क। लेफ्टिनेंट शांतनु सेन गुप्ता। We have to get to Shailendra Roonghta. वो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। मतलब ये नाइट मैनेजर ही है। और ये आपको बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये वाली वेब सीरीज मतलब एक नॉवल पे बेस्ड है। ये पहले नॉवल लिखी हुई थी, नॉवल का नाम भी नाइट मैनेजर है। तो वही है, उसी पे बेस्ड। वो मुझे उसके करीब क्यों आने देगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वो मैटर करता है। It's a deep cover that I'm asking you to go into. My name is Shansen Gupta. I'm the night manager. तुम्हें बस शैली का भरोसा जीतना है। चोरी कर चुके हो, पुलिस वालों पे अटैक कर चुके हो, इंटरनेशनल लुकआउट नोटिस भी है। नाइस। मिस्टर नाइट मैनेजर को पोस्ट करने की अब हमारी बारी। वेलकम टू द फैमिली। तो भाई पहला वाला ठीक था, इतना एक्शन नहीं था, लेकिन जो दूसरे वाला ये ना ये कॉन्क्लूजन है वो तो उससे पहले सस्पेंस था कि हाँ अब देखेंगे कि आगे मूवी क्या है। मतलब अभी ये दूसरे पार्ट में भाई इसमें वही है कि जो आर्मर से बेच रहा है ये सब कुछ कैसे तरीके से दिखाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं हुआ है। जो जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा कि मैं वहां हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। Mixing business with pleasure. घर के दीवारों पे रीमक लग गई है, इलाज करना पड़ेगा वरना पूरे घर को आग लगानी पड़ेगी। जोर कर ले, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो मैं पहले भी नहीं था, अब क्या जान की फिक्र करूं। कौन है हमारे बीच जो लीक कर रहा है सब? Is it you, Sean? Oh, भाई क्या सीन! Hotstar Specials presents The Night Manager. भाई ये 30 जून को रिलीज होने वाला है इसका दूसरा पार्ट। और ये पहले वाले पार्ट से भी ना ज्यादा तगड़ा लग रहा है यार। इसमें वही था कि घर का भेदी लंका ढाए। इसमें जो है ना आदित्य रॉय कपूर, वो इसका जो बिजनेस है इसका आर्मर्स का जो वेपन्स वर्ल्ड वाइड में बेचता है, मतलब इसके बिजनेस पे ना अपना कब्जा करने वाला था। मतलब ऐसे तो ये इसको रोकने के लिए गया था पिछले सीजन में, इसको रोकने के लिए गया था कि इसके बिजनेस को तबाह कर दिया जाए ताकि पर ये इसमें घुस इस जैसे इसको घुसा ना तो वो नहीं लत लगे कि नहीं अब मैं जहाँ पर होना चाहिए था। मतलब ये पहले वाले पहुंच गया हूं, तो अब मुझे ये ही चाहिए। हाँ तो लंका ढाए, अब ये वही है कि पूरा जो अनिल कपूर का जो लंका थी ना तो उसमें आग लगाने वाला है ये। और भाई इसमें जबरदस्त एक्शन होने वाला है। ये ऐसे नाइट मैन लड़की है, वो भी गंदी है, वो उसकी जो अनिल कपूर है ना, अनिल कपूर की बीवी होती है ऐसे वो जो, लेकिन उसका लफड़ा चल रहा था आदित्य रॉय कपूर से। तो बस वही है कि मिलके लंका डाल रहे हैं और क्या सर। तो अनिल कपूर को पता चलेगा नहीं चलेगा वो तो अब 30 जून को पता चल ही जाएगा हमें वेब सीरीज। तो पता तो चल ही जाएगा, इसने बोला विजिट यू। हाँ
मतलब पूछेगा, शक तो है, हो सकता है पर पूरा यकीन नहीं है कि हाँ ये है कि नहीं, बस इसी पर भाई मैं पर्दा उठेगा कि क्या होगा। भाई जबरदस्त, पहली वाली तो मुझे काफी जबरदस्त लगी थी, लेकिन ना जो पहले वाले से अगर कंपेयर किया जाए ना इसके दूसरे पार्ट को, तो दूसरा ज्यादा तगड़ा लग रहा है यार अल्टीमेट। पहले में तो वही वो था ना बिल्डअप किया है कि भाई ये आदित्य रॉय कपूर है, ये एक नाइट मैनेजर था। अभी यहाँ पर एक्शन दिखा, अभी इसमें सिर्फ एक्शन है, अच्छे तरीके से एक्शन दिखाया कि हाँ क्या है क्या नहीं है। पीछे से देखा कितना अच्छा VFX भाई, मतलब तगड़ा लगा, मतलब सीन्स काफी तगड़े लग रहे हैं, मतलब जबरदस्त नेक्स्ट लेवल पे काम हो रहा है। इसमें आदित्य रॉय कपूर ने उसका सिर्फ दिल जीता है शायद, उसमें दिखाएंगे कि हाँ वो क्यों बदला, उसे क्यों ये अच्छा लगा, वो क्यों इसमें घुसना चाहता, वो क्यों इसको धोखा देना चाहता है। मतलब वही है कि इस पहले में तो इसका वो ना कि वो जीता था, विश्वास जीता था, तो उसने अपने फैमिली में ले लिया है, और उसके बाद अब ये देखो जैसे ही फैमिली में जाए ना तो अब बस फैमिली को उठा के मतलब किंग बनना चाहता है। अल्टीमेटली बात यह है कि उसके जो अंपायर है ना, अब वो खुद किंग बनना चाहता है, आदित्य रॉय कपूर। तो भाई पहली वेब सीरीज में तो मजा आया था, दूसरे के लिए तो मैं अब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इसको ट्रेलर देखने के बाद। तो बस 30 जून को देखेंगे कि आखिर कैसी है द नाइट मैनेजर का दूसरा पार्ट। आप सब बताओ कि आपको पहला पार्ट कैसा लगा था, और क्या आप दूसरे पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना अपना ओपिनियन। और आपको ये जो ट्रेलर आया है द नाइट मैनेजर सीजन 2, आपको कैसा लगा है, आपकी ओपिनियन हमसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।